बह रहे आंसू पोछेगा कौन, मन में भरा गिला शिकवा मिटाएगा कौन, दर्द इतना है कि मरहम लगाएगा कौन, शायद सवाल यही मन में दबाए। रेसलर्स मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे, लेकिन किसान नेता और अनेक संगठनों की तरफ से अपील करने के बाद क्या रहा, आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार बनने के बाद से ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिला सशक्तिकरण जैसी कई योजनाएं लागू की गई, पर ये जैसे हालात आज देश में बनते जा रहे हैं वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं पर कई सवालिया निशान लगाते नजर आ रही हैं। इसमें हैरानी की बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पहुंची हो। इससे पहले भी कई बेटियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने जीत भी हासिल की, पर अब इसे देश का दुर्भाग्य कहें या फिर कुछ और, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, यत्र नारिस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहावत सदियों से भारत में प्रचलित है, पर अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसे भी झुटलाती नजर आ रही है। ये हुजूम, ये तस्वीर उस सैलाब की है जो एक दुख भरी कहानी बयां करती है, और दुख किसे ना हो, आखिर बेटियों का मामला जो है, बेटियों को दिल्ली में न्याय नहीं मिला, लंबे वक्त तक धरना दिया और सरकार से गुहार भी लगाई, पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आखिरी रास्ता शायद यही बचा था और फैसले पर मुहर भी लग गई। हरिद्वार पहुंचे रेसलर्स ने कड़ी मेहनत और देश की आन बान शान के लिए कमाए मेडल को गंगा में बहाने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही पहलवान मेडल को गंगा में बहाने के लिए पहुंचे, हालांकि इस दौरान वो भावुक नजर आए और फूट फूट कर रोने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, ऐसे में इनके आंसू पोंछे कौन, सरकार ने तो शायद उनसे किनारा ही कर लिया और इसी वजह से वो खफा भी नजर आ रहे हैं। आंखों में भले ही आंसू है लेकिन सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश भरा है। तो इधर जैसे ही रेसलर्स के निर्णय की बात अन्य संगठनों तक पहुंची, ये बात आग की तरह फैल गई और किसान नेता समेत कई पार्टियों के दिग्गज यहां पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस बीच सभी रेसलर्स ने अपनी अपील सुनाई और बात बुजुर्गों पर छोड़ दी। ये हमारे पहलवान जो बच्चे है, लड़की है हमारी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया और ये कुछ भी कदम उठा सके, हमने यही सोची भाई इस तरह का कदम ना उठावे, और हम अनक फनक में यहाँ से गद्दे से यहाँ से आ गए 2 घंटे में और हम बच्चों को मना कर ले गए, ये बड़े परेशान है। तो हम यही चाह रहे हैं बातचीत, सरकार इस बात को सुने और एक आदमी के उसमें पूरे भारत को बर्बाद करने की उस पर तुल रही है सरकार, ऐसा कदम ना उठावे। इसमें जैसा भी कुछ वो होगी बातचीत, जिम्मेदार आदमी सभी जिम्मेदार हैं, वहाँ सबकी सुलह मशवरा ली जाए, हम अकेले कोई निर्णय ले सकते, हमारे पर तो इतना ही सौंपी गई भाई, बच्चे वहाँ से है उन्हें उठा जाओ किसी भी तरह से, ये बच्चे हमारी बात मान गए, इसी बात के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं बच्चों को, इन्होंने हमारी बात मान। ये पता लगा कि इन बच्चों ने इतना ठोस कदम उठाया है तो लगातार सब खापों से बात हुई और सब ने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने इनसे अपील की है कि आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पूरा देश आपके साथ है और ये मेडल किसी की दी हुई जागीर नहीं है, चाहे ब्रजभूषण हो चाहे सरकार हो, ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत से जीते हैं, तो इनसे अपील की है कि इस तरह का ठोस कदम ना उठाए। पूरा देश में आक्रोश है और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना हुई और उसके बाद परसों जिस तरीके से जंतर मंतर पर घसीट घसीट कर हमारे महिलाओं को पहलवानों को मारा गया, उसका बदला आने वाले दिनों में सरकार से जरूर लिया जाएगा। मान है वो व्यक्ति विशेष का नहीं है, आप लोगों की मेहनत से मेडल आप लोगों को मिले हैं। हमने प्रार्थना करी है सभी बहनों से पहलवानों से कि भाई मेडल जो है वो गंगा में प्रभावित ना करें, मेडल आपका सम्मान है, देश का गौरव है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनको जो मेडल मिले हैं ये किसी की कृपा से नहीं मिले, ना सरकार ने दिए हैं ना किसी देश ने दिए, ये इनकी अपनी मेहनत, बरसों की मेहनत, इन्होंने अपना सुख चैन त्याग कर अपनी सुविधाएं त्याग कर
दिन रात मेहनत कर ये मेडल प्राप्त किए हैं, ये इनकी अपनी मेहनत पर प्राप्त हुए हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करने आए हम सब लोग हरिद्वार के हाथ जोड़ के कि कृपया इस मेहनत के मेडल को आप गंगा में नहा पाएं। ये मेडल आपकी अपनी मेहनत का है और देश का गौरव है। अगर कोई अपराधी जिसके खिलाफ ये धरने बैठी है, एक गुंडे मवाली को बचाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आज ये घटना यहाँ घट जाती है हरिद्वार की हर की पैड़ी के क्षेत्र में, तो इससे बड़ा काला दिन हरिद्वार के लिए कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट हों और इन पहलवानों के साथ खड़े हों। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। जहाँ देश को सम्मान दिलाने वाली हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ हम आम बेटियों को कैसे सुरक्षित मान लें। आज जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है, और जहाँ पर भ्रष्टाचारियों को रेपिस्ट को बचाने का काम किया जाता है, एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और ब्रजभूषण को सम्मान दिलाया जा रहा है, वहीं हमारे देश की जो बेटियाँ हैं, पहलवान बेटियाँ, उन पर लाठीचार्ज करी जा रही है, जो कोई पूरा देश देख रहा है। आज जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं ना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये किया वो किया, आज बेटियां पूरी तरह से कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उत्तराखंड की तरफ से मैं कहती हूँ कि आज उत्तराखंड की हर बेटी, हर माँ, हर बहन इन पहलवान बेटियों के साथ में जो भी डिसीजन लेंगे सब लोग उनके साथ। पर आज नरेश टिकैत यहाँ पर दिखे, वो काफी कम ऐसे पैदल मार्चों में दिखे हैं, उसको कैसे देखा जाए। ये देखो, ये हमारे देश के सम्मान की बात थी जब पैदल मार्च में चौधरी साहब आए और वो एकदम सारे कार्यक्रम रद्द कर, जब उन्हें पता लगा कि हमारे पहलवान इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे, तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके और खाप चौधरी को साथ लेकर वो यहाँ हरिद्वार पहुंचे और मेडल उन्होंने अपने पास रख लिया और अपने पहलवानों को समझा जा रहा है, पहलवानों के लिए आखिरी दम तक सब लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग कैसे नहीं देखा है, ये बहुत बुरा बात है। आजादी के बाद अगर हम जानते हैं एक एग्जाम में, मान लीजिए कोई एडुकेशन के एग्जाम में यूपीएससी दे या ज्वाइंट दे, उसे कितना कोशिश करना पढ़ना होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये जो हमारा देश का गर्व है, बाहर से एथलीट से वो मेडल लेकर आया, तो हमारा जो बंगाल का जो ममता बनर्जी है, सीएम है, पूरा इसका सपोर्ट में, काल एक रैली भी कर रहा है, इसका सपोर्ट में पूरे बंगाल में सब जगह में इसका सपोर्ट में रैली सब कुछ हो रहा है। हालांकि रेस्टलेस बुजुर्गों की बात मान गए, पर देखना होगा कि अब मुजफ्फरनगर की पंचायत में क्या बात निकलकर सामने आती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नरेश टिकैत की ओर से पहलवानों को 5 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद किस तरह की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। और अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इन पहलवानों को अब न्याय दिलाया जाएगा। मैं खबर फास्ट के लिए इंतजार रजा, हरिद्वार।